लोकसभा चुनावों में नागौर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रालोपा प्रमुख व खींसर विधायक हनुमान बेनीवाल पर कुचेरा पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। लोकसभा चुनाव के मतदान वाले दिन शाम को हनुमान बेनीवाल ने समर्थकों के साथ विवाद को लेकर कुचेरा में घेराव व सभा की थी। इस संबंध में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने आचार संहिता के दौरान लागू धारा 144 के उल्लंघन को लेकर चुनाव पर्यवेक्षक रिपुदमन सिंह को शिकायत दी थी। शिकायत में लिखा गया था कि मतदान के दौरान दो पक्षों में हुए विवाद के बाद रालोपा प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने समर्थकों के साथ कुचेरा बस स्टैंड पर आम सड़क पर बिना अनुमति सभा की। शिकायत की जांच के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित के निर्देश पर कुचेरा थाना अधिकारी मुकेश कुमार ने मुकदमा दर्ज करवाया है। कुचेरा के कसनाऊ रोड निवासी कैलाश मिर्धा ने भी धारा 144 के उल्लंघन की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की थी। हनुमान बेनीवाल वर्तमान में खींसर विधानसभा सीट से विधायक है, इसीलिए मामले की आगे जांच सीआईडी सीबी करेगी। कुचेरा थाना अधिकारी मुकेश कुमार ने आईपीसी की धारा 143, 147, 188 और धारा 283 के तहत हनुमान बेनीवाल के विरुद्ध गैर कानूनी सभा करने, बल व हिंसा का प्रयोग करने, सार्वजनिक रास्ता रोकने, आचार संहिता का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। मूल एफआईआर जिला पुलिस अधीक्षक नागौर के जरिए सीआईडी सीबी जयपुर को अनुसंधान के लिए भेजी गई है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।